हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको रेड एंड ब्लैक ट्रीज के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रेड एंड ब्लैक ट्री कवर करने वाली हूँ। बाकी के जो ऑपरेशंस है रेड एंड ब्लैक ट्री के, वो आप मेरी चैनल में दूसरी वीडियो में देख सकते हो। तो चलो हम रेड एंड ब्लैक ट्री स्टार्ट करते हैं। तो रेड एंड ब्लैक ट्री क्या होता है? बेसिकली रेड एंड ब्लैक ट्री जो होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? तो जब भी कोई भी नोड इंसर्ट किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री में, तो उसमें जो जो वैल्यू होती है वो उसके रूट नोड से कंपेयर होती है। अगर वो वैल्यू रूट नोड से कम है तो वो रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट होता है। अदरवाइज अगर वैल्यू ग्रेटर होती है तो वो रूट नोड के राइट सब ट्री में इंसर्ट होता है। तो ये जो रेड एंड ब्लैक ट्री है, सबसे पहले वो बाइनरी सर्च ट्री है। उसके साथ साथ और एक इंफॉर्मेशन हम इसके साथ स्टोर करने वाले हैं, उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हर एक नोड के लिए। तो वो क्या होगा? तो वो होगा कलर ऑफ दैट नोड। कलर जो होगा वो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हर एक नोड के लिए, क्योंकि हमारे ट्री का नाम ही रेड एंड ब्लैक ट्री है। सो कुछ नोड होंगे वो रेड कलर के होंगे, कुछ नोड होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। मतलब कि हमें वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कलर कोड स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक नोड के लिए हम वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी स्टोर करेंगे। अभी ये जो होता है रेड एंड ब्लैक ट्री, वो होता है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। तो वो खुद को कैसे बैलेंस करता है वो डिपेंड है उसके रूल्स पे। तो हम यहाँ पे एक एक रूल देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि हर एक जो कोई नोड होगा वो फॉलो करेगा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी। अभी मैंने एक मिनट पहले आपको बोला कि बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वो अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा ट्री जो बनाया हुआ है या ऑलरेडी हमारे पास है वो रेड एंड ब्लैक ट्री है या नहीं। अगर यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो ट्री बनाया हुआ है वो रेड एंड ब्लैक ट्री नहीं है। उसके आगे जाके हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चेक करना है वो है हर एक नोड का कलर आइदर रेड होता है और ब्लैक होता है, वो हम चेक कर लेंगे। जो अगर हमारी ट्री में हर एक नोड का कलर रेड और ब्लैक होता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है। आगे जाके हम उसका रूट नोड का कलर चेक करेंगे। अगर रूट नोड का कलर ब्लैक है, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है बाबा, ये ट्री हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है। हमेशा रूट नोड का कलर ब्लैक ही होना चाहिए। आगे जाके हम चेक करेंगे कि जो दो नोड एडजेसेंट नोड है, एडजेसेंट माने अगर पेरेंट नोड है वो रेड कलर का है और उसका जो चाइल्ड नोड है अगर वो भी रेड कलर का है, तो ये हमारी रेड एंड ब्लैक ट्री में अलाउड नहीं है। अगर दो एडजेसेंट नोड दोनों रेड कलर के हैं तो ये हमें अलाउड नहीं है। तो अगर वो दोनों रेड कलर के हैं तो हमारा जो ट्री है वो रेड एंड ब्लैक ट्री नहीं है। बट अगर पेरेंट रेड है और चाइल्ड ब्लैक कलर का है तो हमें चलेगा। अदर वे राउंड, अगर पेरेंट ब्लैक कलर का है
चाइल्ड रेड कलर का है तो भी हमें चलेगा, और अगर दोनों पेरेंट भी ब्लैक है चाइल्ड भी ब्लैक है तो भी हमें चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें प्रॉब्लम इससे है कि दोनों जो एडजेसेंट नोड है दैट इज पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेड नहीं होने चाहिए। आगे जाके हमें एक और प्रॉपर्टी चेक करनी है, वो कि हमें ब्लैक नोड को काउंट करना है कि हर एक पाथ में एवरी पाथ में कितने ब्लैक कलर के नोड्स है। तो हर एक पाथ के लिए काउंट जो कुछ भी होगा ब्लैक नोड का वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा बाबा ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा ट्री रेड एंड ब्लैक कलर का रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है। पाथ क्या होता है, हर एक पाथ के लिए जो हम ब्लैक कलर के नोड्स काउंट कर रहे हैं तो पाथ हमारा हमेशा स्टार्ट होगा रूट नोड से। रूट नोड से जो हमारा नल नोड रहता है, लास्ट वाला नोड रहता है, उसे हम लीफ नोड भी बोलते हैं। तो रूट नोड से हर एक लीफ नोड तक जितने भी नोड रहेंगे उसमें हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स कितने हैं। अगर वो हर एक पाथ के लिए सेम है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है ये हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री का प्रॉपर्टी नंबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। और द लास्ट वाला प्रॉपर्टी हमें चेक करना है, जितने सारे लीफ नोड है हमारी रेड एंड ब्लैक ट्री में वो सारे हमें ब्लैक कलर के चाहिए। मतलब कि देखो हमारा रूट भी हमेशा हमें ब्लैक कलर का चाहिए, हमारे सभी लीफ नोड भी हमें ब्लैक कलर के चाहिए, और जो इंटरमीडिएट नोड रहेंगे दैट इज पेरेंट नोड, बिकॉज अगर लीफ नोड है तो वो चाइल्ड नोड बन जाएगा, रूट नोड है तो वो ग्रैंड पेरेंट नोड बन जाएगा, और जो इंटरमीडिएट नोड है पेरेंट नोड है वो हमें रेड भी चलेंगे ब्लैक भी चलेंगे। पर हमें एक चीज सिर्फ देखनी है कि दो एडजेसेंट नोड हमारे दोनों भी रेड कलर के नहीं लगेंगे, नहीं चलेंगे। तो चलो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल वाइज कि हमें ये कैसे चेक करना है, हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई रेड एंड ब्लैक ट्री। तो चलो ये सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारा जो ट्री बनाया हुआ है वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो चलो 5 अगर नोड है वो 10 की लेफ्ट सब ट्री में है क्योंकि 5 10 से छोटा है। अदर वे राउंड अगर 15 एंड 25 है तो वो दोनों भी 10 से बड़े है इसलिए वो राइट सब ट्री में है, 25 भी 15 से बड़ा है इसलिए इसके राइट सब ट्री में है। तो ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आगे वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि हर एक नोड रेड एंड ब्लैक कलर का है या नहीं। तो है, हर एक नोड का आइदर रेड कलर है और ब्लैक कलर है, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारा जो रूट है वो ब्लैक कलर का है या नहीं। तो चलो रूट भी ब्लैक कलर का है तो ये हमारा ट्री रेड एंड ब्लैक ट्री हो सकता है। आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि एडजेसेंट नोड रेड कलर के है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अगर हमारा पेरेंट नोड है तो उसका चाइल्ड है 25, ये दोनों का कलर रेड है और ये हमारी रेड एंड ब्लैक ट्री में अलाउ नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि ऑल कंडीशंस आर नॉट ट्रू, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंडीशन क्यों ट्रू नहीं है और कौन सी ट्रू नहीं है, तो कंडीशन 3 नंबर की जो है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री नहीं है। आगे वाले जो एग्जाम्पल देखने वाले है उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये जो नंबर 25 का नोड का कलर है रेड, हम यहाँ पे ब्लैक करने वाले हैं, बिकॉज ये जो एडजेसेंट थे पहले वाली फिगर में वो हमें एडजेसेंट नहीं चाहिए, इसलिए चलो देखते हैं कि अभी ये तो एडजेसेंट नहीं है फिर ये हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री है या नहीं। तो 0 वाला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड वाला भी कर रहा है, थर्ड वाला भी अभी वो कर रहा है क्योंकि कोई एडजेसेंट नोड नहीं है जो कि रेड कलर का है। अभी चलो हर एक पाथ में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है ये हम काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जितने आपके ट्री में नील नोड रहेंगे उतने सारे आपके दैट नंबर ऑफ पाथ रहेंगे। अभी ये जो नील नोड है ना वो हमारे हर एक नोड के जो नल नोड रहते हैं वही हमारे लीफ नोड कहलाएंगे।
हर एक ट्री में जो कुछ नल नोड रहेंगे वो नल नोड आर नथिंग बट द लीफ नोड। तो यहाँ पे कितने सारे पाथ बन रहे, पांच नील नोड है इसलिए पांच पाथ बन जाएंगे। तो पहले पाथ में देखते हैं कि कितने ब्लैक कलर के नोड्स है, तो यहाँ पे तीन ब्लैक कलर के नोड्स है। दूसरे पाथ में भी तीन ब्लैक कलर के नोड्स है। तीसरे पाथ में देखो यहाँ पे दो ही ब्लैक कलर के नोड्स है, तो ये तो वायलेट हो गया। यहाँ पे तीन ब्लैक कलर के नोड है पहले दो पाथ में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही है। इसका मतलब है ये हमारे सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फोर्थ वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसका मतलब ये हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री नहीं है। आगे जाके आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा बड़ा वाला ट्री है जिसमें हम पहले चेक करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो चलो आप देख लो ये सारे सभी नोड्स, ये सभी नोड बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे जाके हम देखते हैं हर एक नोड का कलर आइदर रेड और ब्लैक है, उसका रूट ब्लैक कलर का है। तो चलो 11 जो नोड है ये हमारा रूट नोड है और वो ब्लैक कलर का है। कोई नोड है जो एडजेसेंट है और दोनों रेड कलर के हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नोड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 के जो दो चिल्ड्रन है वो दोनों का कलर रेड है, पर ये दोनों सिबलिंग है, ये एडजेसेंट नहीं है। इसलिए ये दोनों अगर सिबलिंग रेड कलर के होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं अभी फोर्थ वाला प्रॉपर्टी की काउंट कितना है हर एक पाथ में ब्लैक कलर के नोड का। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 नोड्स है। दूसरे पाथ में भी 1, 2 और 3 नोड्स है। तीसरे पाथ में भी 1, 2 और 3 नोड्स है एंड सो ऑन फॉर ऑल द रिमेनिंग पाथ। तो आप देख सकते हैं कि सभी पाथ के लिए ब्लैक कलर के नोड्स 3 है, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आगे जाके हमें देखना है कि ऑल नील नोड्स जो है वो ब्लैक कलर के हैं या नहीं। तो ये सभी ब्लैक कलर के हैं, मतलब कि ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ ट्री है वो रेड एंड ब्लैक ट्री है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी ये आपको चेक करना है कि ये रेड एंड ब्लैक ट्री है या नहीं। मैं आपको हर एक बार एक क्वेश्चन पूछूंगी हर एक प्रॉपर्टी के लिए, आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखो ये BST है या नहीं। आगे जाके देखो कि एवरी कलर ऑफ नोड ब्लैक और रेड कलर का है या नहीं। आगे जाके रूट ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट टू एडजेसेंट नोड्स जो है उनका रेड कलर है। आगे जाके चेक करो कि काउंट ऑफ ब्लैक कलर नोड कितना है हर एक पाथ के लिए। और लास्ट वाला जो ऑल लीफ नोड्स है वो ब्लैक कलर के है या नहीं। अगर आप अच्छे से ये चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि सभी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा दिया हुआ ट्री जो है वो रेड एंड ब्लैक ट्री है। चलो और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा 3 नोड्स का चेन है, दैट इज क्यूब बाइनरी ट्री है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये वाले एग्जांपल में कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 4 वायलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पाथ में 4 ब्लैक कलर के नोड है, बाकी थर्ड पाथ में और फोर्थ पाथ में ब्लैक कलर के नोड 4-4 नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आगे वाले एग्जाम्पल में अगर हम मिडल वाला रूट नोड रेड कर देते हैं तो भी फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज नंबर ऑफ ब्लैक नोड वायलेट हो रहा है। तो आगे जाके हम एक और रेड नोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लैक नोड का काउंट तो इक्वल आ रहा है, लेकिन एडजेसेंट 2 नोड जो है पेरेंट एंड चाइल्ड नोड वो दोनों रेड कलर के हो गए, इसलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें आगे जाके क्या करना है, हमें आगे जाके ये ट्री ऐसे बैलेंस करनी है जिससे ब्लैक कलर के नोड भी नंबर ऑफ ब्लैक कलर नोड भी इक्वल हो गए हैं, और बीच बीच में ऐसे भी डाल सकते हैं कि ये दोनों रेड कलर के हो गए, तो ये भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 की 6 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।
Stay tuned.